हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, उसका सबसे पहले नेट एसेट वैल्यू देखिए, केवल 11 रुपये का है। यानी कि अभी इस म्यूचुअल फंड को आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो इस वजह से हमारे पास कुछ खास डेटा भी नहीं है। पर चूंकि इन्वेस्टर्स का पैसा कहीं ना कहीं एक NFO की तरफ, जैसे शेयर मार्केट के अंदर जब किसी शेयर का पहली बार लिस्ट होता है तो उसे IPO बोलते हैं, इसी तरीके से जब म्यूचुअल फंड के अंदर किसी म्यूचुअल फंड की एंट्री होती है तो उसे हम बोलते हैं NFO। तो कई बार जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि यार कम NAV में हमको मिल जाए तो हम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो इस वजह से कुछ चीज़ें आपको यहाँ से डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। मैक्सिमम रिटर्न की बात करेंगे तो अभी नेगेटिव में है, पर 3 महीने के अगर हम रिटर्न की बात करें तो 3-3.5% का रिटर्न इस म्यूचुअल फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को फिलहाल बना के दिया है। शिव चनानी साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर हैं। इसके साथ साथ इसका देखिए 3 महीने में केवल 3.80% का एब्सोल्यूट रिटर्न बना के आया है। चूंकि ये म्यूचुअल फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी से होकर के आता है, साथ ही साथ एक NFO है, और स्मॉल कैप कैटेगरी में निप्पॉन इंडिया, क्वांट, HSBC, बैंक ऑफ इंडिया, HDFC, ICICI, मोतीलाल ओसवाल, ऑलमोस्ट हर असेट मैनेजमेंट कंपनी का एक म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में आता है। तो इस वजह से स्मॉल कैप कैटेगरी में आप देख पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट हो गया है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है स्मॉल कैप कैटेगरी में। तो जनरली जब नए NFO आते हैं, आपको किसी भी NFO से बचना चाहिए शुरुआत में, क्योंकि ना डेटा होता है ना फंड की आपके पास परफॉर्मेंस का एक डिटेल होती है। तो कोशिश करें कि जब नया NFO किसी म्यूचुअल फंड का आया करे तो आप इग्नोर किया करो। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर ये NFO आया, सर वो NFO आया, तो क्या करना चाहिए। मेरा पहले से ही एक स्टेंस रहता है कि भाई नए NFO के अंदर पैसा ना डालें। अभी जैसे एक इनोवेशन फंड आया है, कई सारे इन्वेस्टर्स का डाउट था कि एक इनोवेशन फंड आया है, वो फंड देखिए 1 महीने में भले ही वो डबल हो जाए, वो 10 दिन में डबल हो जाए, वो 1 दिन में डबल हो जाए, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। सिंपल सी बात है कि स्ट्रेटेजी के साथ काम करो। जब आपको किसी म्यूचुअल फंड का एक पास्ट में थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड पता हो, एक्सपेंस रेशियो पता हो, तब आप चेष्टा करें कि उस म्यूचुअल फंड के अंदर आप आगे दूरियां तय कर पाएंगे कि नहीं तय कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लेना है तब तो आप कुछ भी खरीदो, प्रॉफिट हुआ तो निकलना ही निकलना है, लॉस हुआ तो भी निकलना ही निकलना है, ठीक है। पर क्या होता है मेरी तरफ से कि आपके पास एटलीस्ट कुछ डेटा होना चाहिए। इस वजह से कोशिश करें कि हमेशा NFO के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से फिलहाल बचे। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपका है, क्योंकि पैसा आपका है। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर आपका वेरी हाई रहता है। इसके साथ साथ बड़ौदा, BNP पेरिबास स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो 1,288 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स का पड़ा हुआ है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो ये म्यूचुअल फंड बहुत ही यूनिक है। अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में बात करेंगे तो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो फिलहाल इस म्यूचुअल फंड का है। इससे पहले जो सबसे कम एक्सपेंस रेशियो था वो था आपका मोतीलाल ओसवाल के स्मॉल कैप की, और अभी फिलहाल बात करेंगे ये है बैंक ऑफ बड़ौदा, BNP पेरिबास या टाटा स्मॉल कैप का भी बहुत कम था एक्सपेंस रेशियो, अभी उसका भी बढ़ गया है। और बड़ौदा, BNP पेरिबास, सिंपल सी बात है एक्सपेंस रेशियो इनका इस वजह से कम है कि अभी इन्वेस्टर्स को ऑनबोर्ड किया जा रहा है। जैसे जैसे इसका असेट साइज बढ़ेगा इसका एक्सपेंस रेशियो भी बढ़ता चला जाएगा आने वाले पीरियड में। तो इसी वजह से बोलते हैं कि आप इतना NFO के चक्कर में शुरुआत में लालच में ना आए। जिसका म्यूचुअल फंड का और भी बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड है, जैसे 3 महीने में इसका केवल 3-3.5% के आसपास का रिटर्न दिया है। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और स्मॉल कैप कैटेगरी में 3 महीने में 8-16% तक के रिटर्न डिलीवर किए हैं उन्होंने। बस आपको चीज़ें खोजनी है तो कृपया करके किसी भी म्यूचुअल फंड में एक बार विचार किया करो, ठीक है। 2.79% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ही बेंचमार्क की तरह फॉलो कर रहे हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे 10% से ज़्यादा के अगर आपने यूनिट बेच दिए, तब इस केस में अलग से आपसे 1% का एग्जिट लोड भी आ सकता है। अब कई सारे इन्वेस्टर्स का क्वेश्चन आएगा कि भाई ये म्यूचुअल फंड मेरे पास है, ये NFO था, तो क्या हम इसको बेच दें। अब आ ही गए हो तो रुक ही जाओ, क्योंकि 3% का इसने रिटर्न दिया है 3 महीने में आपको, 1% एग्जिट लोड आपसे चला जाएगा, तो बचा 2%, बचा कुछ एक्सपेंस रेशियो में चला जाएगा, तो क्या ही आपको मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो इस वजह से नेक्स्ट टाइम से आप चीज़ें याद रखो, ठीक है। और बदल बदल के नाम म्यूचुअल फंड वाले लॉन्च कर रहे हैं, कोई इनोवेशन फंड बोल देता है, कोई रिटायरमेंट फंड बोल देता है, कोई चिल्ड्रन प्लान बोल देता है। अल्टीमेटली कैटेगरी उनकी वही होती है कि या तो वो स्मॉल कैप से होंगे या मिड कैप से या फ्लेक्सी कैप से या मल्टी कैप से या वो लार्ज कैप से या लार्ज एंड मिड कैप के कॉम्बिनेशन से, तीसरी कोई कैटेगरी बनती नहीं है अनटिल और अनलेस कि कोई थीमेटिक कैटेगरी ना हो, ठीक है। तो बस म्यूचुअल फंड केवल रिटायरमेंट है या चिल्ड्रन प्लान उसने बोल दिया इस वजह से हम अट्रैक्टिव हो जाएं, ये तो बात सही नहीं है ना। फाइनेंशियल किन किन सेक्टर्स के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, तो इसका सबसे ज़्यादा इन्होंने 2 सेक्टर को टारगेट किया, एक फाइनेंशियल और एक कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स ऐसा लगता है जैसे इंडिया की जब ग्रोथ स्टोरी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेगी तो इससे कैपिटल गुड्स भी आगे बढ़ेगा, और फाइनेंशियल सेक्टर के बिना तो किसी भी कंट्री का ग्रोथ हो ही नहीं सकता। एनर्जी, हेल्थ केयर, सर्विसेज, कंज्यूमर स्टेपल्स, टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल, मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ये कुछ शेयर हैं जहाँ इन्वेस्टर्स का पैसा गया है। बात करेंगे किन किन कंपनी किन किन शेयर्स के अंदर पैसा गया है, तो इसकी बात कर लेते हैं। ऊपर जो था वो सेक्टर था, सबसे पहले है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, महानगर गैस लिमिटेड। अब मोदी जी का जो घोषणा पत्र आया है उसमें लिखा हुआ था कि हम PNG पाइपलाइन हर पूरे भारत में बिछाने की चेष्टा करेंगे। अगर वैसा होता है तो कुछ शेयर हैं जैसे महानगर गैस हो गया,
गुजरात गैस हो गया, अडानी गैस हो गया, IGL हो गया, इंद्रप्रस्थ गैस के नाम से आप इसे जानते हो, तो इन सारे शेयर्स के अंदर बहुत तेज़ी से एक रिटर्न, क्विक रिटर्न बनते हुए देखने को मिल सकता है। जैसे जो बुल रन आपका स्टार्ट हुआ कहाँ पर, जो बुल रन आपका स्टार्ट हुआ रेलवे स्टॉक्स के अंदर, एनर्जी के अंदर, तो वैसा ही बुल रन आपको गैस इंडस्ट्रीज के अंदर भी देखने को मिल सकता है। तो तैयार है ना, महानगर गैस इस म्यूचुअल फंड के पास है, ICICI सिक्योरिटी, हिटाची एनर्जी इंडिया, JTEKT इंडिया, BEML, RBL, KSB, NLC इंडिया, के फिनटेक टेक्नोलॉजी, SJVN, अजंता फार्मा, नारायणा हृदयालय, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बिरला कॉरपोरेशन, एक्साइड इंडस्ट्रीज़। एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के दिन फिरने वाले हैं, एक्साइड हो, अमर राजा बैटरी हो, आपको पता होगा 22 तारीख को इलॉन मस्क इंडिया आ रहा है, तो इससे बहुत सारे चेंजेस होंगे। जो भी इलेक्ट्रिक कॉम्पोनेंट या इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली जितनी भी कंपनियाँ हैं उन सब के अंदर एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के अंदर कुछ वैसा ही काम चल रहा है, सनोफी इंडिया, PNC इंफ्राटेक, साइंट लिमिटेड, ईक्लैक सर्विसेज, IDFC लिमिटेड, करूर वैश्या बैंक, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, KEC इंटरनेशनल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुछ बॉन्ड्स वगैरह भी है जिसमें इनका स्टेक 1.55% है, निप्पॉन लाइफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारत पेट्रोलियम, ज्योति CNC, FIL इंडिया, CDSL, कैनफिन होम्स, वीगार्ड, सेंचुरी टेक्सटाइल, JB केमिकल्स, लेमन ट्री होटल, KEI इंडस्ट्रीज, क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एलगी इक्विपमेंट, प्रोटीन, ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी, JK लक्ष्मी सीमेंट, भारत BHEL, आरती इंडस्ट्रीज, रेडिको खेतान, बलरामपुर चीनी, सोनाटा सॉफ्टवेयर, इंडिया शेल्टर, ब्रिगेड एंटरप्राइज। अभी तक मुझे जितने भी शेयर दिख रहे हैं बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी के शेयर्स हैं जिनके अंदर वैल्यू अनलॉक होना बाकी है, तो आने वाले समय में इन शेयर से रिटर्न ठीक ठाक देखने को मिल सकता है। फिर भी किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना, क्योंकि जब आप किसी शेयर को खरीदते हो तो आपके रिस्क एपेटाइट आपका क्या है, कब तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है, क्या क्या ऑलरेडी आपके पास इन्वेस्टेड है, अगर आपका पैसा डूबता है तो किस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मैनेज करोगे। जब ये सारी बातें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को बताते हो तो इससे बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो इसी वजह से सभी का भी कहना है कि इन्वेस्टर्स को हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, और मेरा भी ऐसा मानना है कि ये कोई गलत नहीं है, सही है आपको डिस्क्लेमर बताना। इससे मैं चाहता हूँ कि भारत हर चीज़ में आगे रहे, भारत टेक्नोलॉजी में आगे है, भारत फाइनेंस में आगे है, तो भारत इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस में, इन्वेस्टर की एजुकेशन में, भारत का हर बच्चा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली लिटरेट हो, ये मैं चाहता हूँ। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, और अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को शेयर कीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब करवाइएगा अपने दोस्तों के बीच में, व्हाट्सएप स्टेटस के तौर पे आप लगा सकते हो। साथ ही साथ इनकम टैक्स की फाइलिंग चल रही है, अगर आप इनकम टैक्स पेयर हो और रिटर्न को फाइल करते हो तो ये सर्विसेज आप हमारे द्वारा भी ले सकते हो। वीडियो के अंत में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आपको ये बड़ौदा BNP पेरिवास पसंद आ रहा है तो एक बार आप क्वांट स्मॉल कैप का भी रिव्यू चेक करना, ITI स्मॉल कैप का भी रिव्यू चेक करना, और SBI स्मॉल कैप का भी आप रिव्यू चेक करना। बड़ौदा BNP पेरिवास म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो 32,266 करोड़ का एक बहुत छोटा सा एसेट अंडर मैनेजमेंट है, टोटली 120 स्कीम को मैनेज करके चल रहे हैं। तो इनकम टैक्स की फाइलिंग हो, GST की फाइलिंग हो, ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये दो कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अधिक जानकारी ले सकते हो। हमारे पास चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड एडवोकेट्स की पूरी एक टीम है, चाहे वो टैक्स ऑडिट आपको कराना हो, चाहे इनकम टैक्स की फाइलिंग करनी हो, GST की फाइलिंग करनी हो, और कंपनी रजिस्टर करानी हो, ठीक है, इसके साथ साथ फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना हो, बिजनेस लोन के सब्जेक्ट में बात हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो, हर तरीके के काम बहुत ही एक्सपीरियंस टीम के साथ किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन नंबर पर व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हो। सबसे बेहतरीन रिटर्न और साथ ही साथ टैक्स कंसल्टेंसी भी, यकीन मानना आप कहीं भी ITR इससे पहले फाइल करवाया हो आपने, एक बार आप सर्विस लेके देखिए, मज़ा आ जाएगा नेक्स्ट लेवल मतलब। चलिए यहीं से विराम देंगे, हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरी शरणम, बहुत बहुत धन्यवाद।